हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वीडियोस में हमने गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस की बात की थी। और गॉसेस लॉ की कितनी एप्लीकेशंस हैं? कुल 6 एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से हमने 4 एप्लीकेशंस पढ़ ली है। कौन कौन सी? एक तो हमने सबसे पहले जो पढ़ी थी वो थी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए। सेकेंड हमने जो बात की थी वो थी नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। थर्ड थी कंडक्टिंग शीट के लिए। और इसके प्रीवियस वीडियो में जस्ट हमने पढ़ी थी स्फेरिकल शेल। तो मैंने आपको बोला था कि जो जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ स्फेरिकल शेल एंड नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग स्फीयर पर होगी। तो मान लो थर्ड एप्लीकेशन हमारी कौन सी है? स्फेरिकल शेल की है। तो स्फेरिकल शेल के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ ली है। फोर्थ हमारी आती है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। इस कंडक्टिंग स्फीयर को जब हम चार्ज करते हैं तो ये जस्ट किसकी तरह बिहेव करेगा? स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा। तो जो स्फेरिकल शेल के लिए हमने तीनों कंडीशन अप्लाई की थी, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल एंड सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, तो तीनों कंडीशन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव की थी। सेम कंडीशन आपको कंडक्टिंग स्फीयर में अप्लाई करनी है। मतलब कहा जाए तो ये दोनों ही डेरिवेशन क्या है? सेम है। तो ये डेरिवेशन हम नहीं पढ़ेंगे। हम थर्ड डेरिवेशन जो कि यहाँ पे फिफ्थ है, सिक्स्थ डेरिवेशन है, ये कौन सा? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में स्टूडेंट्स हम क्या बात करेंगे कि जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज किया जाता है तो ये जो चार्ज है जहां पर हम उसको चार्ज दे रहे हैं वहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। और हम साथ में क्या कर रहे हैं? इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर रहे हैं। तो क्या होगा कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वॉल्यूम में, कंप्लीट वॉल्यूम में चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि गॉसेस लॉ की सिक्स्थ एप्लीकेशन है, कौन सी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन। और कुल टोटल जो मिलाकर एप्लीकेशन थी वो हमारे पास 6 एप्लीकेशन है। 4 हमने पहले पढ़ ली थी। फिफ्थ ये एप्लीकेशन है जो कि स्फेरिकल शेल की जैसी ही है, तो इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। और हमारी जो सिक्स्थ और लास्ट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, वो कौन सी है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। तो इसे देख लेते हैं। तो यहाँ भी हम तीन कंडीशन अप्लाई करेंगे। हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, उसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, देन हमें आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर और सरफेस ऑफ द स्फीयर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी है। तो हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? व्हेन पी पॉइंट इज लोकेटेड आउटसाइड द स्फीयर। तो फर्स्ट कंडीशन हम ये ले रहे हैं। मान लो हमने ये स्फीयर लिया है और इसको यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं तो इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमने स्फेरिकल शेल की बात की थी तो स्फेरिकल शेल को जब हमने चार्ज किया था वो एक कंडक्टिंग स्फीयर की तरह बिहेव करती है। तो जब कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब एक चालक गोले को जब हम चार्ज करते हैं तो उसके बाहर चार्जेस को हमें शो करना होता है। लेकिन यहाँ पर चार्जेस क्या होंगे? इसके वॉल्यूम में आएंगे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? इसको एक गाउसियन सरफेस में हमको कवर करना है। तो ये हो गया गाउसियन सरफेस, इसे कहते हैं गाउसियन सरफेस। मान लो इसका मिड पॉइंट ओ है और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। गाउसियन सरफेस पर हम यहाँ पर एक पी पॉइंट लेते हैं और ये ओपी डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल आर। यहाँ पर स्मॉल आर लिख दिया है हमने। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में स्मॉल आर ग्रेटर देन होता है कैपिटल आर के। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आए?
देन हमें क्या करना है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये P पॉइंट इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड है और इस कंडीशन को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। अब देखो स्टूडेंट्स, E डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला हम गॉसस लॉ से अप्लाई करते हैं। यहां हम डॉट हटाएंगे तो cos थीटा आएगा। ये जो थीटा एंगल है वो किसके बीच में बन रहा है, ये E और ds दोनों के बीच में बन रहा है। मान लो हमने यहां पर ds एक एरिया वेक्टर लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो पैरेलल डायरेक्शन होने के कारण जो थीटा एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में वो कितना होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। और वो 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मान लो कि ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। देन हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है ds का। अब ये जो ds है, जो एलिमेंट लिया गया है, वो एक स्फीयर का लिया गया है। तो स्फीयर के लिए अगर हम बात करते हैं एरिया की, वो कितना होता है, 4πr2। तो हम लिख लेंगे इसको 4πr2 equals to q upon epsilon naught। अब बात करते हैं q upon 4πr2 इधर डिवाइड में आ जाएगा epsilon naught। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ हमारे पास q आ रहा है। अब ये जो q चार्ज है वो इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इसके वॉल्यूम में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या काम करेगा, यहाँ पर कौन सी डेंसिटी यूज में आएगी, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज में आएगी। हमने चार्जेस के जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे उसके 3 टाइप्स थे। फर्स्ट था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो थर्ड था वो था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक स्फीयर क्या है, एक वॉल्यूम है। तो इसमें चार्ज की डेंसिटी बताने के लिए हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करना होगा। तो रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ये होता है। रो क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, और ये कौन से कितने वॉल्यूम पर है, तो ये वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। मान लो देखो हम कौन से स्फीयर की बात कर रहे हैं, इस स्फीयर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। तो वॉल्यूम कितना लिखा जाएगा, 4/3 pi कैपिटल R क्यूब लिखा जाएगा। तो ये वॉल्यूम लिखा गया। अब यहाँ से हम Q चार्ज का फॉर्मूला निकाल लेंगे, वो कितना होगा, रो 4/3 pi कैपिटल R क्यूब, ये फॉर्मूला हो गया। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख दें। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो E इक्वल्स टू क्यू की जगह आपको पुट करना है रो 4/3 pi कैपिटल R क्यूब, और डिवाइड में हमारे पास है 4πr2 epsilon naught। तो स्मॉल r स्क्वायर epsilon naught हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। इसके बाद क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या फॉर्मूला बच रहा है हमारे पास, देखो रो अपॉन 3 epsilon naught यहाँ पर कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये हमारे पास कंप्लीट इसका फॉर्मूला डिराइव होकर आता है। कौन सी कंडीशन के लिए है, जब P पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर हो, तो उस कंडीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास इतनी आ जाती है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो E वेक्टर इक्वल्स टू रो अपॉन 3 epsilon naught R क्यूब, कैपिटल R क्यूब है, डिवाइड करेंगे स्मॉल R स्क्वायर है और R कैप, ये जो है वो डायरेक्शन को बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। तो आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर ये R कैप का यूज करते हैं। वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया है फर्स्ट कंडीशन के लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने गॉसस लॉ अप्लाई किया है और गॉसस लॉ अप्लाई करने के बाद इसका जो एरिया है वो हमने पुट किया है। यहाँ हमें क्या करना है, क्यू क्यू जो है वो
कॉलिंग चार्ज डेंसिटी से हमें डिराइव करके और इसके अंदर पुट करना है। पुट करने के बाद 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो वैल्यूज जो बच रही है वो ये फॉर्मूला हमारे पास बनकर आ रहा है। E वेक्टर इक्वल्स टू रो अपॉन 3ε₀ कैपिटल R³ अपॉन R²। अब देखो स्टूडेंट्स, हम क्या बात करते हैं, आउटसाइड द स्फीयर हमने बात कर ली है। अगर हम ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर की बात करें, जो कि हम सेकंड या थर्ड कंडीशन कोई भी ले सकते हैं, तो अगर सरफेस पर पी पॉइंट हो तो आपको पता है कि स्मॉल r कैपिटल r के इक्वल हो जाते हैं। मतलब जो गॉसियन सरफेस है वो हमें अब किस पर बनाना है, वो हमें उस स्फीयर पर ही बनाना है। तो दोनों का जो सरफेस है वो सेम होगा। इसका मतलब क्या है, स्मॉल r कैपिटल r के इक्वल होंगे। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है इसमें बस क्या करना है, स्मॉल r की जगह हमें कैपिटल r पुट करना है, देन इजीली हमारे पास सॉल्यूशन निकल जाएगा। और साथ ही आप क्या कर सकते हो, इसका पूरा सॉल्यूशन इस तरह से निकाल के फिर r की जगह आप कैपिटल r पुट कर सकते हो। लेकिन हम डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पर। मान लो ये हमारे पास आई है थर्ड इक्वेशन, तो ये तो बात हुई फर्स्ट कंडीशन की। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। तो अब हम सेकंड कंडीशन लेंगे, कौन सी, वेल पी पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो अब देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें ये स्फीयर लेना है जो कि हमारे पास क्या था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था। जब इसको हमने चार्ज कर दिया तो पॉजिटिवली चार्ज हमने इसको इस तरह से कर दिया है, जो गॉसियन सरफेस बनेगा अब इसके सरफेस पर भी बनेगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस पे हम क्या करते हैं, एक पी पॉइंट लेते हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी होती है। अब क्योंकि दोनों ही सरफेस एक दूसरे के ऊपर है, मान लो कि दोनों ही सरफेस जो है वो इस लाइन को टच कर रहे हैं, तो क्या होगा कि गॉसियन सरफेस के लिए हम जो ओपी डिस्टेंस लेते हैं स्मॉल r, वो जो स्मॉल r है इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जो रेडियस होती है कैपिटल r, उसके इक्वल हो जाए। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, ये मिड पॉइंट O है और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल r लिख दी है हमने। P पॉइंट हमने इस सरफेस के ऊपर ले लिया है क्योंकि कंडीशन हमारी यही है कि वेन P पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, देन OP डिस्टेंस हमारे पास हम स्मॉल r लिखते हैं। तो कंडीशन क्या बनती है, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल r। तो हमारे पास जब हमने आउटसाइड द स्फीयर P पॉइंट की बात की थी, तो थर्ड जो इक्वेशन हमारी निकली थी वो कितनी थी, हम लिख लेते हैं P cap, P vector equals to rho upon 3ε₀, और यहाँ पर हमारे पास R³ था, divide में R² था, R है। ये equation हमारी third equation थी। मान लीजिए third equation हमने यहाँ पर ली है। अब क्या करना है, simply small r के जगह हमें capital R put करना है, तो हमारे पास equation क्या रह जाएगी, rho upon 3ε₀ R³ upon कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप। तो आर स्क्वायर से कैंसिल आउट, देन हमारे पास जो इक्वेशन रहेगी रो अपॉन 3ε₀ कैपिटल आर आर कैप। तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है जब पी पॉइंट कहां दिया गया हो, इस नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है इसके सरफेस पे लिया गया। तो दो कंडीशन हमने सॉल्व कर ली है। अब हम बात करेंगे थर्ड कंडीशन की, जो कि क्या होगी कि P पॉइंट जब इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, व्हेन P पॉइंट इज लोकेटेड, व्हेन P पॉइंट इज लोकेटेड इनसाइड द स्फीयर। तो थर्ड कंडीशन हमने ले ली है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, हमने ये एक स्फीयर लिया है जो कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इसे हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है।
अब क्या करना है, जो गॉसियन सरफेस है वो इसके अंदर बनाना है हमें। क्यों बनाना है? क्योंकि हमें गॉसियन सरफेस पर ही पी पॉइंट रखना है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी है। क्योंकि देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो पी पॉइंट है वो इनसाइड द स्फीयर है, तो पी पॉइंट अगर इनसाइड द स्फीयर हमें लेना है तो गॉसियन सरफेस भी हमें इनसाइड द स्फीयर बनाना होगा। अब मान लिया हमने यहाँ O पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस है ये बाहर वाले स्फीयर के लिए है और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और इसके लिए हमने मान लिया है कि जो गॉसियन सरफेस है उस पर हमने P पॉइंट लिया है जो कि इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा। तो इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड हमने ये P पॉइंट ले लिया है गॉसियन सरफेस पर, और इसकी जो डिस्टेंस है OP डिस्टेंस वो कितनी है, स्मॉल r है। तो इस कंडीशन के लिए जो स्मॉल r है वो लेस देन कैपिटल r हो जाता है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ जो चार्ज है देखो ध्यान से देखना कि अगर हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात की तो चार्जेस जो है इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर हम गॉसियन सरफेस को इसके अंदर अज्यूम कर रहे हैं तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया वो हमें निकालना होगा, मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा उसको हम Q लिखने के बजाय Q डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हमें जो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ रहा है, गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम में जितना चार्ज आ रहा है वो चार्ज हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। E डॉट ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमने ये जो ds लिया है वो इस पॉइंट p पर लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और ds जो एरिया वेक्टर है उसकी भी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। तो दोनों डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो cos थीटा आएगा वो 0 डिग्री का होगा, हमने q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 डिग्री होगा 1, तो इसे हम लिख लेंगे e इंटीग्रेशन ऑफ ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो q आ रहा है इसको हम डैश लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है वो क्या है, देखो q जो चार्ज है वो तो क्या है कंप्लीट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी बात करता है, लेकिन अगर जो q डैश चार्ज है वो किसकी बात करेगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड आया है इसके वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो q डैश, क्योंकि p पॉइंट हमने किस पर लिया है, गॉसियन सरफेस पर लिया है। तो ये जो गॉसियन सरफेस है अब चार्ज कितना देगा हमें, q डैश देगा, और इसको हम क्यू चार्ज की हेल्प से डिराइव करें। तो देखो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फॉर्मूला आने वाला है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमारे पास फॉर्मूला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, e इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास फॉर्मूला बनकर तैयार है, और इसे इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 5th। तो इक्वेशन नंबर 5th के बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम क्यू डैश का जो चार्ज है वो निकालना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्मॉल r है उसके वॉल्यूम में हमें चार्ज निकालना है, मतलब हम मान लेते हैं कि 4 अपॉन 3 पाई कैपिटल r क्यूब वॉल्यूम में चार्ज हमारे पास था q, कितना चार्ज था हमारे पास कि 4 upon 3 pi capital R cube, capital R जो है वो radius है non conducting sphere के लिए, इस पूरे volume में non conducting sphere ये बाहर वाला sphere है और Gaussian sphere जो है वो अंदर वाला sphere है, तो इस non conducting sphere के complete volume में charge कितना है, q charge है, radius क्या है इसकी, capital R है, इसलिए यहाँ पर capital R लिखा जाए। अब अगर हम बात करें कि unit volume में वन यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, तो लिख लेंगे हम q अपॉन आ जाएगा 4 बाय 3 पाई कैपिटल r क्यूब। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है 1 मीटर क्यूब में कितना हमारे पास चार्ज है उसके लिए। अब हम किसकी बात करते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसके वॉल्यूम में
तो मान लो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये हम गॉसियन सरफेस के लिए वॉल्यूम लिख रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज होगा, तो हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, क्योंकि ये जो चार्ज है वो हमारे पास 1 m³ एक यूनिट वॉल्यूम के लिए चार्ज आ गया है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वॉल्यूम से, तो कंप्लीट गॉसियन सरफेस के लिए कितना चार्ज आएगा वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो q/4/3 π R³, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/3 π r³ से, और ये जो चार्ज है हमारे पास वो आ गया q', क्योंकि q' हमने कौन सा चार्ज डाला था, ये जो चार्ज है वो हमने गॉसियन जो स्फीयर है उसके लिए अज्यूम किया था। कंप्लीट जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके वॉल्यूम में चार्ज है हमारे पास स्मॉल क्यू, तो इसके लिए जो वॉल्यूम लिखा जाएगा वो इसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा, ये रेडियस क्या है कैपिटल आर। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसमें चार्ज है स्मॉल क्यू, 1 m³ एक यूनिट वॉल्यूम के लिए हमने चार्ज निकाल लिया है ये। अब हम क्या करेंगे कि इस कंप्लीट गॉसियन जो वॉल्यूम है, तो गॉसियन जो स्फीयर है उसकी रेडियस हमारे पास स्मॉल आर है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा 4/3 π r³। अब इसमें अगर हमें चार्ज बताना है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, देन ये जो चार्ज आएगा वो किसके लिए होगा, गॉसियन सरफेस के लिए होगा, उसको हम लिखेंगे q'। तो इस q' की जगह हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें q' की जगह पुट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखो अब क्या करेंगे, ये जो चार्ज की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने लिख ली है, q' की जगह हम पुट करने वाले हैं ये इक्वेशन, तो हम लिख देंगे q डिवाइड में आ रहा है 4/3 π R³, और इसके ऊपर मल्टीप्लाई के ऊपर आ रहा है 4/3 π r³, और यहाँ पर साथ में डिवाइड में क्या है 4 π r² ε₀। तो इतना जो इक्वेशन है वो हमने लिख ली है, फिर से देख लो q/4/3 π r³ हमने पुट कर दिया है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर है 4/3 π r³, देन हमारे पास इसमें इक्वेशन में क्या है 4 π r² ε₀। तो ये इक्वेशन बनके हमारे पास तैयार होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, और क्या बचा है साथ साथ, यहाँ पर आर क्यूब है, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ई इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास है q/4 π ε₀, तो 4 π ε₀ लिख देंगे, साथ साथ क्या बचा है यहाँ पर कैपिटल आर क्यूब बचा है। तो देखो स्टूडेंट्स 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, और ऊपर हमारे पास स्मॉल आर बच रहा है, तो ये इक्वेशन हम लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि ये जो क्यू चार्ज है वो किसके लिए था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कंप्लीट वॉल्यूम में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है क्यू चार्ज। तो कंप्लीट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या होती है, कैपिटल आर होती है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 π R³। और अगर हम चार्ज की बात करें तो वॉल्यूम चार्ज जो डेंसिटी है उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, q/V आ जाएगा, रो इक्वल्स टू q/V के लिए हम लिख देंगे 4/3 π R³। तो यहाँ से q चार्ज कितना निकल जाएगा, रो 4/3 π R³। ये इक्वेशन हमें पुट करनी है इस q की जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो 4/3 π R³ ये आ जाएगा स्मॉल r, और यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 π ε₀ R³। तो स्टूडेंट्स देखो यहां पर क्या इक्वेशन बन रही है, कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कैंसिल आउट, 4 π से 4 π कैंसिल आउट, तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है रो 3 ε₀, और एक स्मॉल आर बच रहा है।
अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में यहां पर वेक्टर लगा देंगे और यहां पर आर कैप एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, जो वेक्टर होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, यहां पर आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर, इस तरह से आता है। तो इन दोनों को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से आर वेक्टर भी हम लिख सकते हैं। अगर मान लो ये यूनिट वेक्टर है ये, और ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें यहां से, तो ये किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर के इक्वल होगा। तो यहां से हम इसको और क्या लिख सकते हैं, रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट और आर वेक्टर। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, वेक्टर में हो जाएंगे, ई वेक्टर इक्वल्स टू रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर। ये जो है इन दोनों की जगह हमने पुट किया है, यहाँ आर फॉर्मूले में आ रहा था जो कि मैग्नीट्यूड है, और ये जो आर कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो कंप्लीट स्फीयर में, अगर कहीं भी कोई भी हम एलिमेंट ले रहे हैं उस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो उस स्फीयर के आउटवर्ड डायरेक्शन के जरिए इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाए, क्योंकि जो स्फीयर है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बात हो गई है, तीनों कंडीशन हमने देख ली है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आउटसाइड द स्फीयर द पी पॉइंट लेते हैं, सेकंड कंडीशन हम ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर लेते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि जो आउटसाइड द स्फीयर की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो इक्वेशन आती है उसमें करना क्या होता है, स्मॉल आर की जगह हमें कैपिटल आर पुट करना है और इक्वेशन निकल जाए। अब जो थर्ड कंडीशन थी इसके अंदर हमें स्टार्टिंग से ही जो चार्ज लेते हैं वो q डैश लेना होता है, क्योंकि अभी हम जो p पॉइंट ले रहे हैं वो गॉसियन सरफेस में ले रहे हैं और उसका जो वॉल्यूम है वो किसके अंदर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर वॉल्यूम है। तो चार्ज इस वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा वो कंप्लीट वॉल्यूम से कम होगा और अलग होगा, ठीक है। तो वहां पर हम q लिखने के बजाय q डैश लिखते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, देन वापस हमारे पास q चार्ज आता है। अब इस q की वैल्यू इस तरह से हम इसके अंदर पुट करेंगे और ये सॉल्यूशन हमारे पास तैयार। तो इस तरह से ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तीन कंडीशन अप्लाई की और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो गॉसियन एप्लीकेशन थी, गॉसियन फ्लो की छह एप्लीकेशन थी, लाइन चार्ज के लिए, सेकंड शीट के लिए, तो उसमें नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग शीट, तीन ये हो जाती है कंप्लीट। और तीन जो है वो स्फेरिकल शेल के लिए है, फोर्थ वाली, और जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ है वो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो मैंने आपको बता दिया था कि जैसा हमने स्फेरिकल शेल के लिए किया उसी तरह से हमें क्या करना है, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए लेना है। जब कंडक्टिंग स्फीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं तो वो कंडीशन वही हो जाती है जो स्फेरिकल शेल की होती है। तो हमने उसको सॉल्व नहीं किया था कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, वो स्फेरिकल शेल वाला ही पूरा डायरेक्शन उसके अंदर आएगा। और फिर सिक्स्थ एप्लीकेशन की हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का पूरा सॉल्यूशन हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट आपके इस लेसन के तीन डेरिवेशन और बचे हैं, दो जो नेक्स्ट एक या फिर दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, और इस तरह से हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम आएंगे न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।